हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रियल में C65 फ़ोन है, तो रियल में C65 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने फ़ोन में वॉलपेपर्स को कैसे लाइव वॉलपेपर्स को आप कैसे हटा सकते हैं अपने फ़ोन में, और लाइव वॉलपेपर्स को कैसे हटा पाएंगे अपने फ़ोन से, और रिमूव भी कैसे कर सकते हैं लाइव वॉलपेपर्स को रियल मी फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि लाइव वॉलपेपर्स को कैसे रिमूव करें और कैसे हटा सकते हैं फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो भी फ़ोन के आइकन्स हैं आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं, जिसमें से आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे लाइव वॉलपेपर्स को हटा सकते हैं अपने फ़ोन में, तो सिंपली देख सकते हैं कि सेटिंग शो हो रही है, जहाँ से आपको वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग्स पे क्लिक करना है। एंड वॉलपेपर स्टाइल सेटिंग्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो वॉलपेपर सेटिंग्स आपके फ़ोन में आ जाएगी, जहाँ से जो भी वॉलपेपर्स आप स्क्रीन पे लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं यहाँ से, या फिर यहाँ से भी आप वॉलपेपर्स को लगा पाएंगे। सिंपली हम ये वाला वॉलपेपर्स लगाना चाहते हैं तो अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, और इस पर क्लिक करते ही जो भी वॉलपेपर्स हैं आपके फ़ोन में सेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ से कोई भी एक वॉलपेपर सेलेक्ट करके लाइव वॉलपेपर्स को आप हटा सकते हैं, जिससे आपका लाइव वॉलपेपर्स हैं आपके फ़ोन से हट जाएगा और लाइव वॉलपेपर आपके स्क्रीन पे शो नहीं करेगा। सोचते हैं कि लाइव वॉलपेपर हट चुका है आपके फ़ोन में, तो इस तरीके से लाइव वॉलपेपर्स को आप हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। आपको वीडियो चाहिए तो लाइक